ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार हासिल की सत्ता। लालू ने ममता को दी जीत की बधाई, कहा जनता बीजेपी की फूट डालो राजनीति को नकार चुकी है। बढ़ते संक्रमण को लेकर झारखंड बाउल काउंसिलिंग ने की बैठक, न्यायिक कार्य 9 मई तक स्थगित करने का निर्णय, अधिवक्ताओं ने निर्णय की अवहेलना की तो होगी कार्रवाई। बिहार आईएमए ने मांगा 15 दिनों का लॉकडाउन, डॉक्टरों ने कहा बिहार में कोरोना की रफ्तार ब्रेक करने के लिए पाबंदी चाहिए, हालात हो रहे हैं बेकाबू। और प्रदेश में कोरोना से आए दिन बढ़ रहे मौतों के आंकड़े, गया में मरीज की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, नर्स और कर्मचारियों के साथ की मारपीट। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है, आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो मधुपुर उपचुनाव के नतीजे बीते दिन घोषित किए जा चुके हैं और एक बार फिर से महागठबंधन ने एनडीए को यहां पर पटकनी दी है। जेएमएम प्रत्याशी हाफिजुल हसन अंसारी ने 5000 से ज्यादा मतों से बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को हरा दिया है। पार्टी की जीत से यहां पर पूरी तरीके से गदगद है सीएम हेमंत सोरेन। बीते शाम मीडिया से बातचीत की उन्होंने, जहां उन्होंने मधुपुर की जनता को धन्यवाद किया, साथ ही उन्होंने बंगाल में टीएमसी की जीत के लिए ममता बनर्जी को यहां पर ढेरों बधाइयां दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और साथ ही मधुपुर उपचुनाव में केंद्र में सत्ता में होने के कारण चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने का बीजेपी पर आरोप भी लगाया। झारखंड का उपचुनाव, मधुपुर विधानसभा का परिणाम आ ही गया और इसमें यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा से उतारा गया प्रत्याशी हफीजुल अखर जी की जीत हो गई। इसके लिए सर्वप्रथम मैं मधुपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ में हमारे सहयोगी दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं का ये परिणाम राज्य का तीसरा उपचुनाव का परिणाम और तीनों उपचुनाव तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिलिंग ने बैठक की और इस बैठक में झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग ने कोर्ट का कार्य 9 मई तक स्थगित करने का फैसला लिया है। सभी अधिवक्ताओं से अगले एक सप्ताह तक अपने आप को न्यायिक कार्य से दूर रखने की बात कही गई है और साथ ही काउंसिलिंग के निर्णय की अवहेलना करने पर यहां पर एक्शन लिए जाने की हिदायत भी दी गई है। विधिक परिषद के द्वारा पूर्व में जो निर्णय लिए गए थे उसी निर्णय के आलोक में कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए, इसकी विभीषिका को देखते हुए 9 मई तक के लिए किसी भी प्रकार के न्यायिक कार्य से अधिवक्ताओं को अलग रहने का निर्देश दिया है। और इसमें जो बृहस्पतिवार के दिन जनहित याचिका की सुनवाई होती है झारखंड उच्च न्यायालय में, उस मामले में बार काउंसिल के द्वारा कुछ छूट दी गई है कि जिसमें कि जनहित याचिका जो अधिवक्ताओं के हित में है। झारखंड राज्य विधिक परिषद के द्वारा पूर्व में जो निर्णय लिए गए थे तो अधिवक्ता ने यहां पर न्यायिक कार्य से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार यहां पर कोरोना बढ़ रहा है इसे लेकर बैठक की गई है। बैठक में झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग ने कोर्ट का काम यहां पर 9 मई तक के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, बढ़ते संक्रमण को लेकर झारखंड बार काउंसिलिंग की बैठक की गई है और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, कई फैसले हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल कंचन, देखिए कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए तमाम राज्यों की स्थिति आप सभी जानते हैं कि परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अधिवक्ता, जितने भी झारखंड के अधिवक्ता थे,
वो धीरे धीरे कोरोना के चपेट में आने लगे और कोरोना से उनकी मृत्यु भी हो गई। उसी कड़ी में न्यायालय की ओर से लगातार ये फैसला लिया जा रहा था कि कोई भी न्यायिक कार्य से अभी अधिवक्ताओं को दूर रखना है, उनके परिवार की रक्षा के लिए इस बातों को कहा गया था। लेकिन कुछ ऐसे भी अधिवक्ता थे जो कि इसे कह सकते हैं जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह था जिसमें हर चीजों को बंद किया गया था उसमें भी वो लोग काम करते नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं विरोध के स्वर एक बार देखने को मिले थे न्यायालय के अंदर भी। और अब कह सकते हैं राज्यवासियों की जिंदगी को बचाने के लिए, अधिवक्ताओं की जिंदगी को बचाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय में साफ तौर पर कहा गया है कि कोरोना के बनाए गए जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी नियम बनाया जा रहा है बार काउंसिल के द्वारा या झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा, उस पर कह सकते हैं काबिज काम होते हुए नजर आना चाहिए और सभी को एक साथ एकजुटता का परिचय भी देना चाहिए। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से देखा जाए शुभम, कोरोना की रफ्तार जो है वो घटती नहीं बल्कि बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। यहाँ पर कोर्ट का कार्य 9 मई तक स्थगित करने का फैसला लिया गया है, जिसे लेकर अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आगे इस पर क्या कुछ आदेश हो सकता है इसके बाद? देखिए कंचन, बिल्कुल आदेश की अगर बात करें तो जब तक परिस्थितियां कंट्रोल में नहीं आएंगी, जब तक परिस्थितियां काबू में नहीं आएंगी, उसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है, न्यायालय इसमें क्या फैसला लेती है, कैसे अधिवक्तागण को सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि आप भी जानती हैं और ये तमाम राज्यवासी, अगर कोरोना की रफ्तार आगे भी इसी तरीके से यहाँ पर जारी रही तो 9 मई के बाद और भी ज्यादा वक्त इसे दिया जा सकता है। बिल्कुल कंचन, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं न्यायालय में अगर बात करें तो अधिवक्ताओं की एक अहम भूमिका होती है। आम जन अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं वहां पर, अधिवक्ताओं से बात विचार करते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे राज्यवासी की जिंदगी और अधिवक्ताओं की जिंदगी दोनों पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा था कि कैसे दोनों को सुरक्षित रखा जाए। इसी कड़ी में ये निर्णय लिया गया है, अगर परिस्थितियां काबू होते जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था और कुछ तब्दीलियां भी उसके बाद उसमें की गई थी, अगर परिस्थितियां अंडर कंट्रोल रहती हैं और परिस्थितियां सुचारू रूप से चलेंगी, कोरोना के बढ़ते आंकड़े कम होंगे, तब कहीं ना कहीं इस चीज पर निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन अगर परिस्थितियां हाथ से बेकाबू होते नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है तारीख और बढ़ती चली जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने यहां ट्वीट कर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। ट्वीट कर मांझी ने यहां पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल के साथ नीतीश कुमार से आग्रह किया है। सिवान के पूर्व सांसद सैयद शहाबुद्दीन के निधन की यहां पर न्यायिक जांच की जाए। का स्पष्ट मानना है कि शहाबुद्दीन साहब के मौत को लेकर के कोई ना कोई राज है, इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। इसलिए हमारे नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के तमाम नेताओं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है कि सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के मौत की न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही हमारे दल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह किया है कि चूंकि वो सिवान के सांसद रहे हैं, इसलिए उनका अंतिम संस्कार राजकीय तरीके से होना चाहिए। देखिए हमारी पार्टी। वहीं कोरोना संक्रमण से लगातार बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए बिहार आईएमए ने सरकार से 15 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की मांग की है। आईएमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि आज से सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मी गोलबंद होकर सरकार पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बनाएंगे। आईएमए के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के अनुसार अगर लॉकडाउन नहीं लगा तो हालात और भी डरावने हो सकते हैं। लोगों की बेतहाशा वृद्धि हो रही है, काफी लोग मर भी रहे हैं और इवन जो कुछ सेवियर हैं उनके वो डॉक्टरों में भी काफी मृत्यु हो चुकी है। ये बहुत ही बुरी स्थिति है और बिहार में संसाधनों की कमी तो है ही, सरकार काफी प्रयास कर रही है कि सभी तक संसाधन पहुंचे, लोगों की मृत्यु न हो। लेकिन इसी क्रम में आईएमए बिहार ने महसूस किया है कि कुछ दिनों का यानी 2 सप्ताह से लेकर के 3 सप्ताह के बीच का एक लॉकडाउन तत्काल इस संक्रमण के कड़ी को तोड़ने। तो झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे की बात कर ले तो झारखंड में कोरोना संक्रमण से लगभग 115 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही झारखंड में पॉजिटिव मामलों की बात करें तो संख्या बढ़कर 4738 पर पहुंच गई है, जबकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से 42 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रांची की बात करें तो 913 नए केस मिले हैं।
तो बिहार में सरकारी अस्पतालों में बेडों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 125 बेड वाले ग्रेड 2 के अस्पताल को शुरू कर दिया है और ये कोविड पॉजिटिव मरीजों को यहाँ इलाज भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन गंभीर रूप में कोविड यहाँ पर जो पॉजिटिव मरीज हैं वो भर्ती नहीं किए जा रहे हैं और इसकी सूचना भी दे दी गई है। तो बिहार सरकार की ओर से बीते दिनों बिहार के हर जिले में विभिन्न मंत्रियों को जिले का प्रभार दे दिया गया है और इसी कड़ी में मंत्री मुकेश सहनी को मुजफ्फरपुर जिले का प्रभारी बनाया गया। प्रभारी बनाए जाने के बाद सहनी बीते रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने यहां पर स्थानीय SKMCH पहुंचकर जिलाधिकारी और SSP सहित तमाम आला अधिकारियों से स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मौजूदा समय में जिले की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाए जाने की बात कही है। वहीं ऑक्सीजन की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक और ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाने की बात कही। मुझे प्रभारी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया मुजफ्फरपुर जिला का और मेरा दायित्व है कि मुजफ्फरपुर में खास करके कोरोना महामारी के समय में जो स्थिति पूरे देश दुनिया में उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर कैसे काबू पाना, कैसे कंट्रोल करना, उसके लिए मैं जैसे मुझे मंत्री बनाया गया तो मैं आज ही मैं डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया हूँ, मुजफ्फरपुर में आया हूँ और हमारे जिला पदाधिकारी DM साहब है, SP साहब है और हमारे जो भी डॉक्टर पदाधिकारी हैं सबसे मुलाकात किया हूँ। जो भी कहीं कोई कठिनाई है तो उसको कैसे दूर करना है उसके लिए हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बनाया है। समस्तीपुर में बीती रात विभूतिपुर के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर जानलेवा हमला करने की कोशिश का मामला सामने आया है। यह घटना जिले के उजियारपुर थाने की योगी चौक की है, जहां शादी समारोह से लौटने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने विधायक की गाड़ी के पास आकर उनकी तरफ बंदूक तान दी। हालांकि बॉडीगार्ड की सूझबूझ से विधायक जी की जान बच गई। वहीं विधायक जी ने इस पूरे मामले को उजियारपुर थाने में दर्ज कराया। चंदोली चौक से जब मैं बढ़ा तो एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था, लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अपराधी होगा, लेकिन पतेली चौक से जब आगे बढ़े तो वो मोटरसाइकिल बहुत तेजी से जो है ना ओवरटेक करके आगे गया और सत्तो लाइन होटल जो पतेली और जोगी चौक के बीच में है और वहां पर आकर के वो गाड़ी को कमर से पिस्तौल निकाल के लड़ाते हुए मेरी गाड़ी को रोक लिया। विधायक जी के ऊपर जो हमला हुआ है बहुत ही दुखद घटना है। मैं सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी की ओर से जिला सचिव के ऐसे से मैं घोर निंदा करता हूँ और इस तरह जब एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जब हमला इस तरह का हमला हुआ है तो आम जनता का पर क्या होगा। साथ ही मुकामों में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए लोग खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। आम दिनों में बेतहाशा भीड़ का मंजर यहां पर सबके सामने आने लगा था। शहर में लगभग अब सन्नाटा सा पसर गया है। बाजार में सिर्फ जरूरी सामानों की ही खरीदारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो कड़ी चौकसी से लोगों में यहाँ पर काफी जागरूकता भी देखने को मिल रही है। तो पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं। कई प्रत्याशी जनता का विश्वास जीतने में सफल रहे तो कई के हाथ यहां पर मायूसी लगी है। हालांकि कन्नौज जनपद के यहां मेघौली पंचायत में विजेता घोषित हुए मनोज यादव जीत की खुशी में इतने मशगूल हो गए कि कोरोना के नियमों को ही ताक पर रख दिया। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप अपनी देख रहे हैं। प्रधान ने जीत की खुशी में जुलूस निकाल दिया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही है उन तस्वीरों में देख कर ही आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान ही नहीं है, न लोगों के चेहरे पर मास्क है। यानी यहां जीत कितनी खुशी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग कराना और करना दोनों ही भूल गए हैं।
राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर एक और जहां जिला प्रशासन ने सभी साप्ताहिक बाजारों को लगाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, तो वहीं दूसरी ओर इन सभी बातों को नजरअंदाज कर लोग साप्ताहिक बाजार लगाने के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। इतना ही नहीं, यहां लोग मास्क लगाने के नाम पर सिर्फ दिखावा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को हटाए जाने के बावजूद भी लोग गली मोहल्लों में घुसकर यहां जमावड़ा लगाकर सामान, तमाम लोग यहां पर बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। साप्ताहिक बाजार पूरी तरीके से लग रहा है, लगातार भीड़ यहां पर नजर आ रही है, प्रशासन कहीं नहीं नजर आ रहा। तो एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत से मरीजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी को देखते हुए सोनभद्र में ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के लिए जिलाधिकारी सोनभद्र की ओर से निर्देश दिए गए, जिसके बाद यहां पर करहिया अनपरा स्थित निजी ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता आज से हो गई है। करहिया गांव में डेबुलगंज के पास अनपरा में एक ऑक्सीजन प्लांट था, जिसका अनुरक्षण कार्य पिछले 10 दिनों से चल रहा था। जिलाधिकारी महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देशन अनुसार इस प्लांट का अनुरक्षण कार्य 10 दिनों में किया गया। आज इसका परिणाम हम लोग को प्राप्त हुआ है, और आज दोपहर 12 बजे से सिलेंडर की फिलिंग शुरू हो गई है, और इसमें हिंडाल्को के इंजीनियर टीम और कानपुर से आए हुए श्री संत शेरफ पटेल जी और प्लांट के समस्त स्टाफ और स्थानीय जो लोग थे, जहां दुकानदार थे और कुछ लोग थे, जिनकी भागीदारी रही, और पूरा रात दिन के अनुरक्षण कार्य के साथ हम लोग इस प्लांट को शुरू कराने में सफल हुए हैं। जिला प्रशासन की टीम के द्वारा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस प्लांट को शुरू कराने में अपना अमूल्य सहयोग दिया है, उसको धन्यवाद दिया जाए। कोरोना काल में एक स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कई मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। ताजा मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां बरारी शमशान घाट पर शवदाह करने वालों की मनमानी, यहां पर ढंग से पैसे वसूलने की कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इन शिकायतों को लेकर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने नगर आयुक्त और जिलाधिकारी के लोगों को होने वाली परेशानियों से रूबरू कराया। साथ ही कांग्रेस विधायक ने प्रशासनिक पदाधिकारियों से जांच कमेटी बनाकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि शव जलाने के लिए बरारी शमशान घाट पर परिजनों से 21,000 से लेकर 51,000 तक चार्ज किया जा रहा है। आश्चर्य लगता है, पूरे भागलपुर के जनता से काफी शिकायत मिल रही है कि जो कोरोना से संक्रमित होकर जिनकी जाने जाती हैं, जिनकी मौत होती है या और भी जैसे मौत होती है, शमशान घाट बरारी में जलाने जाते हैं, तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि 21,000 से लेके 51,000 रुपया तक बिना पैसा लिए लोग जलाते नहीं। जो सौदा गिरी था वह भी खराब पड़ा है, सब 6-7 दिनों से कोई देखने वाला नहीं। ऐसा तो लगता है कि पूरा प्रशासन ही सुस्त है, नगर निगम हमारा स्मार्ट सिटी में तब्दील हो चुका है। खबर भागलपुर के यहां पर आदमपुर थाना क्षेत्र से है, जहां से एक बेहद अजीब और गरीब घटना सामने आई है। बताते चले कि यहां एक मामा ने अपनी सगी भांजी से शादी कर घर पहुंच गए। दरअसल पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दोनों के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते उन्होंने शादी कर ली, और जब इसकी भनक उनके परिजनों को लगी तो उन्होंने इस रिश्ते को मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन युवती के नाना इस शादी के लिए राजी हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस यहां प्रेमी जोड़ों को लेकर थाने चली गई है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है।
तो कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के बीच झारखंड के दुमका जिले में स्थित सुप्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर और आसपास के इलाके में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। साथ ही मिनी लॉकडाउन के अनुपालन कराए जाने को लेकर भी प्रशासन हर मुमकिन प्रयास कर रही है। मंदिर प्रांगण के साथ साथ जरमुंडी के शहरी इलाके में भी कीटनाशक का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। तो कोरोना गाइडलाइन का लगातार पालन यहां पर कराया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं हर तरफ यहां पर सन्नाटा नजर आया। सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी यहां पर लगातार नजर आई। इसके साथ साथ लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं, घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। बासुकीनाथ धाम मंदिर और आसपास के इलाकों में लगातार सैनिटाइजेशन का काम यहां पर किया जा रहा है। साथ ही यहां जरमुंडी के शहरी इलाकों में भी कीटनाशक का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। राजधानी पटना में शराबबंदी के नियमों को ताक पर रखकर पार्टी करने के मामलों में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामला गांधी मैदान थाना क्षेत्र का है, जहां अपने कार में शराब का सेवन करते हुए पाए गए युवकों को पुलिस ने वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने लॉकडाउन की अवधि में घर से बाहर घूमता देखकर युवकों को रोका, जिसके बाद युवक नशे की हालत में पाए गए। वहीं कार्रवाई के तहत युवकों के वाहन को जब्त करते हुए इन 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। तो यहां पर वाहन चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा गया, गाड़ी रोकी गई। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में 3 युवक नशे में यहां धुत थे। 3 युवकों को थाने ले आया गया, साथ ही उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। तो समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने यहां पीड़ित युवक को सड़क पर सुलाकर दलसिंह सराय विद्यापति सड़क मार्ग को जाम कर दिया। बताते चले यातायात पूरी तरीके से यहां पर प्रभावित हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया। खबर भागलपुर से है। भागलपुर में अपराधी बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं। अपराधियों की मनमानी का ताजा मामला जिले के यहां पर सनहोला थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां अपराधियों ने स्थानीय युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार युवक को पहले भी जान से मारने की धमकी दी गई थी और अपराधियों ने बीते रात मौके का फायदा उठाते हुए इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है, साथ ही पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। तो बांका के सीमावर्ती थाना क्षेत्र पंजवारा की पुलिस अभी तक एक नाबालिग युवती की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझा नहीं पाई है। पिछले महीने 24 अप्रैल को रात थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव से एक नाबालिग युवती की गुमशुदगी के बाद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई विशेष लीड हासिल नहीं कर सकी है यहां पर। इस पूरे मामले में परिजन आस लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक निराशा ही उनके हाथ लगी है। गार्ड से पूछे तो गार्ड कह रहा है कि भाई यहाँ बहुत न बड़ा बाबू है न छोटा बाबू है, हम लोग को जानकारी नहीं है कि आप क्या लिखिएगा क्या नहीं। आवेदन में गलतियाँ क्या हो गई थी? आवेदन सही जानकारी नहीं दिए थे? सही जानकारी मतलब अपना नाम पता एड्रेस दिए थे और घर का भी यहाँ का भी हम नाम पता। उसके बाद क्या बोली पुलिस? उसके बाद फिर बोले के बॉक्स में डाल के आप जाइए। फिर हमने डालकर वहाँ से चले गए सामने। हम गए थे, हमारे साधु भाई गए थे, हमारा छोटा वाला लड़का भी गया था। उसके बाद भी फिर दूसरा दिन हमको फोन आया कि आप वहाँ आइए थाने पर। फिर हम गए, कहे कि नहीं इसमें गलत है। तो मुंगेर में एक युवती के आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां बीती रात ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवती ने 4 मंजिला इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी।
जानकारी के अनुसार मृतका का पड़ोसी उसे काफी दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था। जी हां, साथ ही लड़की से शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। इस पूरे मामले को जब पीड़ित ने लड़के को समझाने की कोशिश की तो लड़के ने पीड़ित के भाइयों की पिटाई कर दी। इस घटना से यहां पर डिप्रेस होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली और अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। हम लोग घर पर आया, आकर पूरा धमका रहा था कि क्या कर लेगा तुम लोगों, जो करना कर। मेरी बहन बहुत परेशान हो गई थी सब चीज़ से, परेशान होकर आके हम लोग की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के लिए उसने जान दे दिया। कौन लोग हैं वो लोग? मोहम्मद अली, जो उसको हमेशा परेशान करता रहता था। क्या करता है अली? पता नहीं पढ़ाई करता होगा, पता नहीं क्या करता था। ऐसे तो चार पांच लड़का लोग इधर उधर खड़े बैठते, एक इधर उधर भागते रहते। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे